अखबार में पढ़ रहा था, एक में लिखा हुआ था, आज से जात पूछेगी सरकार और 1 अप्रैल से स्किल। क्यों भैया, इस अखबार को इतना दर्द आखिर क्यों हो रहा है? आज से जात पूछेगी सरकार, क्या आज से पूछ रही है? जात पूछने की जो परंपरा है वो किसकी है? या थोड़ा सा और पीछे जाएं कि जात बनाई है तो बात होगी, जात बनाई किसने? बनाई न होती तो कोई पूछता भी नहीं, और कोई पूछता नहीं तो शायद कबीर साहब को ये लिखना भी नहीं पड़ता कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए क्या मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो मैं। अब मोल करो तलवार की जो बात है, ये मोल तलवार का जो मोल है, या यूं कहें स्किल, अखबार आगे जो लिखता है ना कि 1 अप्रैल से स्किल पूछेगी, यानी कि योग्यता, उसकी गुण, उसके गुण है या फिर वो कितना योग्य है। योग्यता की बात जब आप करते हैं तब थोड़ा सा पीछे भी देख लिया करें कि किसने क्या कब पूछा था और क्यों कबीर साहब को उस वक्त ये लिखना पड़ा था। ये आप जब भी कहीं जाते हैं, कहीं पर जब कोई आपसे पूछता है ना, नाम क्या है, आपने अगर अपना नाम बता दिया तो लोगों की ये कोशिश होती है कि वो आपकी सरनेम को जाने। पूछते हैं, हाँ पूरा नाम बताइए। पूरा नाम, पूरा नाम का क्या मतलब? यानी कि वो जानना चाहता है कि आपका सरनेम क्या है, ताकि ये अंदाजा लगाया जा सके कि आप किस जाति के हैं। लोगों ने जब सरनेम भी कुछ अलग प्रकार के लगाने लगे, जब कोशिश ये होने लगी कि छुप जाए, कोई कुमार लिखता, कोई कुछ लिखता, कोई कुछ लिखता, तब फिर बड़ी मुश्किल होने लगी। पता नहीं कौन किस जात का है, लेकिन जात जानना तो जरूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर तो बंटवारा होगा। अगर आप उस जाति के नहीं हैं जिसको हमेशा से सर्वाधिकार प्राप्त हैं, तो फिर तो आपको मिलने से रहा ना। तो 1930 में अंग्रेजों ने, सरकार जब अंग्रेजों की हुआ करती थी, तब उन्होंने जाति की गणना की थी और ये पूछा था कि कौन किस जाति का है, ये कोशिश की थी उन्होंने देखने की। स्वाभाविक है, उन लोगों ने भी ये महसूस किया होगा कि सारा कुछ यहाँ पर, जो कुछ भी है, जो कुछ भी यहाँ की व्यवस्था है, वो जाति के आधार पर है, पर उसी के आधार पर लोगों से व्यवहार होते हैं, उसी के आधार पर लोगों को ऊंचा और नीचा माना जाता है, और उसी के अनुसार उसकी योग्यता को परखा या जांचा जाता है। तो ऐसे में जाति के आधार पर, जाति पूछ लें, उसके आधार पर जो पीछे रह गया है, सिर्फ जाति के आधार पर जो इस आगे की दौड़ है, जो जहां पर लोगों को जाना चाहिए वहां तक अगर सिर्फ जाति की वजह से नहीं पहुंच पाया, तो उसको उस रास्ते पहुंचाया जाए, उस दौड़ में कहीं ना कहीं पर उसको शामिल किया जाए। पीछे रह गया तो थोड़ी सी उसे सहायता देकर आगे पहुंचाया जाए, क्योंकि वो अपने स्किल की वजह से, अपनी योग्यता की वजह से पीछे नहीं रह गया, वो अपनी जाति की वजह से पीछे रह गया। तो ये गणना 1930 में हुई थी, अंग्रेजों ने की थी, और उसके बाद जो है, अब आप जानते ही हैं, 1930 की बात है। उसके बाद एक आंदोलन शुरू हो गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्यों? ये वही वक्त था जब इनको लगने लगा था कि अगर ये जाति की गणना करेंगे तो फिर पता चल जाएगा कि जाति की वजह से कितने ज्यादा लोगों के साथ नुकसान हो चुका है, या जाति की वजह से कौन कितना पीछे रह गया है। आजकल तो एक किसी भी नाम से लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता है, कह दिया आप हिंदू हो, हिंदू ठीक है, हिंदू और धर्म के आधार पर किसी और धर्म का नाम लेकर मुस्लिम धर्म का या लड़ा दिया जाता है, जबकि असली लड़ाई तो जाति की है। और
ये कोशिश की जाती है कि बताने की कि हिंदू वो सारे लोग हैं जिनको लड़ने के लिए आप भेज दिया करते हैं, लेकिन जब उसके अधिकार की बात आती है तो वहां पर जाति आ जाती है, वहां पर हिंदू हिंदू नहीं होता है। कि बलात्कार जब किसी दलित महिला के साथ होता है तो सीधे सीधे लिख दिया जाता है कि दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ है, सीधे सीधे। लेकिन जब किसी सवर्ण महिला के साथ बलात्कार होता है तो ये कहीं नहीं लिखा जाता कि किसी सवर्ण महिला के साथ बलात्कार हुआ, ताकि मानसिकता जो है वो तुरंत बना दी जाए कि कितना इसको सपोर्ट करना है और कितना इसको नहीं करना है। ये मानसिकता का सवाल है, ये उस पुरानी व्यवस्था का सवाल है, मनुस्मृति की व्यवस्था का सवाल है। और इसी वजह से दिक्कत आज भी हो रही है कि सरकार टाल रही है, कभी कोरोना के बहाने और कभी यर खत्म हो जाने के बहाने, तो कभी किसी बहाने कि भाई जनगणना तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने वो जनगणना जो करा रखी जिसमें जाति की गिनती तमाम दबाव के बाद जो जनगणना कराई थी जिसमें जाति की गिनती हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े इसलिए आपने प्रसारित प्रकाशित नहीं किए क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा और आपकी जो चुनावी जो राजनीति है, जो आपका जो चुनावी जो दिखावा है, जो भाषण है, वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। और जो आप पोलराइज कर लेते हैं हिंदू हिंदू के नाम पर, उसमें दिक्कत आ जाएगी। इसी वजह से पूरी कोशिश की गई कि जो जनगणना है वो रोकी जाए। इस बार फिर केंद्र सरकार इसको रोकने में सफल हो गई, लेकिन बिहार सरकार ने ये काम शुरू कर दिया है। और बिहार सरकार ने जैसे ये काम शुरू किया, अखबारों को यानी कि जो मोदी मीडिया है उसको दिक्कत होने लगी, दर्द होने लगा, और वो तरह तरह के अलग अलग प्रकार के जो टाइटल्स होते हैं, जो शीर्षक होते हैं, हेडलाइंस के माध्यम से इस बात को गलत तरीके से बताने की कोशिश करने लगा कि बिहार सरकार पता नहीं ये क्या कर रही है। भाई बिहार सरकार वही कर रही है जो है, उसकी गिनती हो जाए, पता चल जाए कि कौन आखिर किस वजह से कितना पीड़ित है, पिछड़ा है, और कौन किस वजह से कितना अगड़ा है, कितना विकसित है। तो ये जो बात है जाति की, एक कविता भी तो आपने सुनी होगी ना, कौन जात हो भाई, बच्चा लाल उन्मेष की यह कविता है। कौन जात हो भाई, दलित है साहब, नहीं मतलब किसमें आते हो, आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं, और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हैं। आता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या खाते हो भाई, जो एक दलित खाता है साहब, नहीं मतलब क्या खाते हो, आपसे मार खाता हूं, कर्ज का भार खाता हूं, और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूं, नहीं मुझे लगा कि मुर्गा खाते हो, खाता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या पीते हो भाई, जो एक दलित पीता है साहब, नहीं मतलब क्या क्या पीते हो, छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम, और नंगी आंखों से देखा गया सारा भरम साहब, मुझे लगा शराब पीते हो, पीता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या मिला है भाई, जो दलितों को मिलता है साहब, नहीं मतलब क्या क्या मिला है, जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी, और तिस पर आप जैसे परजीवियों की बंदगी साहब, मुझे लगा वादे मिले हैं, मिलते हैं ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या किया है भाई, जो दलित करता है साहब, नहीं मतलब क्या क्या किया है, 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से तर सुबह को शाम किया, और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया साहब, मुझे लगा कोई बड़ा काम किया, किया है ना साहब, आपके चुनाव का प्रचार। ये कविता अपने आप में सारी बातें कहती है जो वास्तव में यहाँ होता है, लेकिन धर्म के मुलम्बे में, धर्म के आवरण में छिपा दिया जाता है। दरअसल समस्या धर्म है ही नहीं यहाँ की,
दरअसल समस्या जाति ही है।